25 तारीख में आसिबो राज्य बजेट विधानसभा रे मोहन चरण माझी सरकार को प्रथम पूर्णांग बजेट या पूर्वरु प्राग बजेट परामर्श बैठक बसी मुख्यमंत्री मोहन माझी को अध्यक्षता रे लोकसभा भवन रे बसी बैठक आ बैठक रे विभिन्न वर्गर 80 रु अधिक विशेषज्ञ शामिल होइछन्त 2024-25 बजेट रो रूपरेखा प्रस्तुत नै बैठक रे विस्तृत आलोचना चलिछि राज्य बजेट आसिब तेणु वर्तमान आम देखुचे व्यापक प्रस्तुति किभली भाव में आय हेबो केमिति खर्च करा केउं सबु जगार विनियोग करा जिबो ए दिगरे परामर्श नेबापाई एक बड़ बैठक बा विभिन्न अधिकारी को नहीं विशेषज्ञ को नहीं आलोचना जारी रही अजेश मल्लिक मो सहयोगी रही ए बजेट्र तो गुरुत्व जथेष्ट रही किंतु से दिगरे कौन सब प्रस्तुति चली आम जाणिनेवा अजेश सीधा सड़क सूचना दिंतु बजेट पर वर्तमान प्रस्तुति को केमिति देखुं बजेट्रे क्या उपर गुरुत्व दि जाए फोकस करें कौन सब चर्चा हो निश्चित भाव देखु 25 तारीख में बजेट उपस्थापन हो विधानसभा जेहतु 22 तारीख रू बजेट अधिवेशन आरंभ हो 25 तारीख जितने बजेट उपस्थापन होता पूर्व सरकारी स्तर में प्रस्तुति आरंभ हो विभिन्न पर्यायर में बैठक बसुची मुख्यमंत्री भितर अधिकारी सहित आलोचना कर एक प्रकार बजेट प्रस्तुति आरंभ होता नजर समस्त रही जेहतु नुआ सरकार बजेट आणवे प्रथम थर पर बजेट आणवे क्यों क्षेत्र को प्राथमिकता मिलू क्यों क्षेत्र को गुरुत्व देखते राज्य सरकार तापर नजर रही कारण नुआ सरकार लोकंर अनेक आशा रही आकांक्षा रही अनेक गुड़े प्रतिश्रुति जेहतु भारतीय जनता पार्टी सरकार आसी तेणु प्रथम बजेट उपर समस्त नजर रही सरकार आभिमुख्य कौन रोच स्पष्ट हो तेणु आज जो बैठक टी रही देखिए परामर्श सभा रही अर्थात मुख्यमंत्री अध्यक्षतार बैठक बसी जो थे कि अधिकारी माने रही दुई उपमुख्यमंत्री रही विभाग अधिकारी अर्थ विभाग सचिव रही उन्नयन कमिशनर रही अनेक देखिए अधिकारी रही सरकारी अधिकारी या बाद देखिए पूर्वतन अर्थमंत्री पूर्वतन अर्थ सचिव अर्थ विशेषज्ञ एवं विभिन्न क्षेत्र जो मैंने रही विशेषज्ञ मैंने बैठक में जोग देते कारण राज्य सरकार से मतामत लोड़े फिडबैक् ने सरकार क्योंभली भाव जो बजेट रूपरेख प्रस्तुत करती से मतामत कौन जदि आवश्यक देखिए या पूर्व लोक जितने मतामत लड़ा जाता कि बजेट को नहीं लोक मतामत लड़ा से कौन कह चाहूँ से कौन बजेट को नहीं आशा रोचे से मतामत लड़ा जाता आज जेहतु बैठक बसी देखिए पूर्वतन अर्थमंत्री अर्थ सचिव रही विभिन्न विभाग देखिए विशेषज्ञ मैंने रही समस्त मतामत नि बजेट रूपरेख नहीं सरकार जो कि प्रस्तुत कर देखिए फर्माट प्रस्तुत कर मतामत कौन कारण जेहतु अनेक अभिज्ञता रही पूर्वतन अर्थमंत्री अर्थ सचिव से मतामत ने अर्थात देखू जो कि कथा कह प्रथम जो कैबिनेट रे चारिटी प्रस्ताव को अनुमोदन मिलता जोटे कि अनेक गुड़े प्रतिश्रुति जमी थी सुभद्रा योजना कथा कहतु धान क्विंटल पिछा 3100 टका कथा कहतु जो भत्ता प्रतिश्रुति 3000 टका मासिक भत्ता कहतु सामाजिक सुरक्षा योजन ये जो अनेक गुड़े प्रतिश्रुति भारतीय जनता पार्टी सरकार को आसी एथपाई 100 दिनिया एजेंडा प्रस्तुत हो 100 दिन भितर ये संक्रांत एजेंडा प्रस्तुत कर किभली भाव जो प्रतिश्रुति भारतीय जनता पार्टी सरकार को आसी किभली कार्यान्वयन हम से एक प्रकार खसड़ा प्रस्तुत कराई एने विभिन्न पर्यायर बैठक बसुची किंतु ये प्रथम बैठक बस हूँ तो किसी योजनार रूपरेख जहाँ रही किसी योजना को बजेट्रे आलोकेशन रही पारे अर्थात बजेट्रे प्रावधान रही पारे ये जो नुआ योजना जो सरकार आणवे बजेट्रे प्रावधान रही पारे जितने सरकारी स्तर में आपको नहीं प्रस्तुति चली किंतु ये विशेषज्ञ मानक मतामत लोड़ा जाऊँगी पूर्वतन अर्थमंत्री अर्थ सचिव मतामत लोड़ा हो विभिन्न विभाग टूरीजम कथा कहतु शिल्प क्षेत्र कहतु शिक्षा क्षेत्र कहतु जो विभिन्न विभाग जो मैंने विशेषज्ञ रही एक्सपर्ट मैंने रही बैठक डक अर्थात ये गोटे प्रकार मानस मंथन चली आलोचना चली मुख्यमंत्री समस्त सहित आलोचना करीडबैक् नौ तो समस्त फिडबैक् आधार ही ये बजेट आसो कहुच्छे तेणु बैठक प्रायतः चूड़ांत पर्यायर में पहुंची कारण जो मैंने जोग देते धीरे धीरे बाहर आरंभ कले आउ अल्प समय मध्य बैठक सर मुख्यमंत्री ये बाबद गणमाम को सूचना देते तेरे कौन आज बैठक में विस्तृत भाव आलोचना हो सरकार भिजन कौन सरकार कौन मतामत लोड़ कि कौन फिडबैक् आसी हूँ तो संक्रांत गणमाम सामने प्रतिक्रिया रखिपारती तेज अपेक्षा करने को पड़ो जेहतु आउ अल्प
ସମୟ ପରେ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ବୈଠକ ହେବା ଏ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ବା ସାଧାରଣ ଘଟଣା, କାରଣ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ ହୁଏ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଏ, ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବଡ଼ ବା ବଜେଟ୍ ବୈଠକ ବସିଛି ଯେଉଁଠି ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଜେଶ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ କେମିତି ପାଳନ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଅଜେଶ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଏହି ବଜେଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ବା ରୂପରେଖ ଦେଖିଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ ବା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କହିଥିଲେ କରିଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବସୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ